जो कहता था कि अमिताभ बच्चन पेप्सी का एड इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी आंख पेप्सी पीने की वजह से खराब हो गई थी। एक शख्स जो कहता था कि हेमा मालिनी लक्स साबुन से नहीं बल्कि बेसन में मलाई डालकर नहाती हैं और पूरे देश को ये बात नहीं बताती वरना पूरे देश की महिलाएं हेमा मालिनी की तरह खूबसूरत हो जाएंगी। जुकाम से लेकर कैंसर तक सभी बीमारियों का इलाज के जो दावे आज बाबा रामदेव करते हैं उनकी शुरुआत इसी शख्स ने ही की थी। वो कहता था कि पिछले 20 सालों में वो कभी बीमार नहीं पड़ा, अंगूठे पर मेथी का दाना बांधकर जुकाम ठीक कर लेता था। समर्थकों की माने तो ये शख्स आज यदि जिंदा होता तो भारत में स्वदेशी और आयुर्वेदिक का शायद सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका होता, बाबा रामदेव से भी बड़ा।